सो एनी रिग्रेट इन लाइफ सबसे जो बड़ा रिग्रेट है मैं समझता हूँ कि जिनको मैं अपना समझता था या जिनके लिए मैंने कुर्बानियाँ दी वो मेरे अपने नहीं हुए hmm. न अपने साबित हुए hmm. तो मैं समझता हूँ कि ये आ, रिग्रेट समझ लें इसको या ट्रेजडी समझ लें या hmm. कुछ समझ लें और दूसरा ये कि मैं एक बड़ा आर्टिस्ट या अदाकार बनना चाहता था जो मैं नहीं बन सका ये तो आपकी आजी है आपका बड़ा रिस्पेक्ट है पूरे सब कॉन्टिनेंट में मैं अल्लाह का इसमें वो नहीं है कि मैं वो अल्लाह से नाउमीद में जालिक या मुझे जो कुछ अता हुआ वो मैं डिज़र्व करता था मैं डिज़र्व कुछ भी नहीं करता था लेकिन आ, एक ये अजीब सी एक फीलिंग है कि और बेहतर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है हाँ। कि और बेहतर बेहतर हो सकता था, था।, था लोग ये समझते हैं कि बहुत पीक पीक पे आप पीक पे आप हैं लेकिन नहीं मैं लेकिन आप बन नहीं बन सका नहीं फिर भाई जब आदमी इतना सॉलिड हो मतलब तो 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 मैं अब अब ये मैं बात कर रहा हूं एक बीस पच्चीस साल के एक करियर के बाद एक प्ले राइट की हैसियत से मैं ये बात कर रहा हूँ जो इस काम को थोड़ा सा समझता है जी और थोड़ा सा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा नहीं मतलब बहुत थोड़ा सा कि इतना जितना एनरिच हो आदमी इतना भरा हुआ हो इतनी कमांड हो और इतनी बारीकी से एक्टिंग को और एक्टिंग के डिफरेंट जो शेड्स हैं जो यौनराज हैं उसको समझता हो और फिर उसके बाद कैनवस बड़ा दस्तयाब न होने की वजह से वो मौाक़ उसे न मिले हों तो कितनी टूट फूट होती है इतने भरे हुए आदमी के अंदर वो एक शेर है ना कि मेरा ये दुख है मैं अपने दोस्तों जैसा नहीं hmm. मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए hmm. लश्कर में हूँ yeah, yeah, yeah. तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो समझता हूँ मैं कि मेरी शादी गलत टाइम पे हुई या गलत लोगों में हुई या गलत जगह हुई चूँकि आई वॉज अम स्टिल एन आर्टिस्ट आई वॉज अ प्योर प्योर हाँ, और सरापा और माँ की गोद में भी एक्टर था आर्टिस्ट था एक्टर को छोड़ आर्टिस्ट हुँ, था सो आई नीडेड एन आर्टिस्ट मेरा सराउंडिंग जो है वो वो होना चाहिए था जो आर्टिस्टिक होता माँ मेरी मर गई जो मुझे सपोर्ट के वाल साहब पेरेंट्स जब मेरे मरे उसके बाद मेरा एक अनहताज शुरू हुआ मेरी शख्सियत में भी और मेरी साइकी में भी और फिर वो इन्वामेंट ही नहीं था तो वो उसकी वजह से ये समझने के मैं बहुत डैमेज हुआ बीमार भी हुआ और अब मैं ऑलमोस्ट क्योंकि अब तो थक गया हूँ आई एम सेवेंटी नाव सत्तर साल की उम्र में अब आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आता सिवाय मौत के ये नहीं है मैं शुक्रिया मैं ना जी। शुक्री नहीं कर रहा हूँ हाँ। हाँ। अपनी नहीं। कैफियत की बात कर रहा हूँ मैं उसकी बात कर बाकी अगर दुनियावी तौर पर तो आई मै वेरी सक्सेसफुल मैन हाँ रेस्क्यू क्यों नहीं कोई कर सका आपने कभी शेयर नहीं किया मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे उनमें इतना पोटेंशियल नहीं था या उनका इतना आई क्यू नहीं था या they, they me, उससे जो तन्हाई पैदा हुई उस तन्हाई में फिर आप सरवाइव कैसे करते रहे वो फिर वो बंदा इंट्रोवर्ट हो जाता है ना पहले मैं एक्सट्रोवर्ट था अब मैं इंट्रोवर्ट हूं कम गो हो गए नहीं मैं अपने आप में गुम हो गया जब आदमी ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है तो एक बड़ी घुटन पैदा होती है और उससे बड़े नफसियाती मुख्तलिफ तरह के इशूज़ मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं आपकी क्या कैफियत रही इस सारे इंट्रोवर्ट होने के बाद बांट देता हूँ फ़जाओं में मैं सीने की घुटन सुनने वालों को मेरी आह भी झनकार लगे तो अब मैं वो मौसीकी वो सुर जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें लोगों को झनकार सुनाई दे लेकिन वो हो मेरा दुख है मेरा दुख लेकिन दुख की भी एक झनकार है ना? जी जी दुख का भी एक समा है ऐसे ही है। दुख का भी एक माहौल है मुझे आपकी बात बड़ी होती है शेर याद आ गया नो के खंजर पे जुबा यूँ ही नहीं रखी है नो के खंजर पे जुबा यूँ ही नहीं रखी है दर्द का नशा अजब नशा है सैयद वसीशाह हैप्पीस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का हैप्पीस्ट मोमेंट जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था। हमजा माशा और फेवरेट मेमोरी पहली बार जब मैं स्क्रीन पे टीवी की स्क्रीन पे आया था तो इस सारे सफर में कौन सी परफॉर्मेंस ऐसी है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है जैसे वारिस हमने किया था और दहलीज किया फिर मतलब बरग आरजू अशफाक साहब के जो मैंने ड्रामे किए या आपका एक वो प्ले मैंने किया मेरी तो बहुत बहुत खूबसूरत बट आई एंजॉयड द मोस्ट थिएटर स्टेज पे वाह क्योंकि स्टेज मैंने बड़ा किया है और स्टेज पे मैंने चूंकि लोगों को हंसाया है तो लोगों को हंसाना जो है ना उससे जो तस्कीन मिलती है वो उसका कोई जोर नहीं है अच्छा मैं वैसे ये लाजमत है आपकी चॉइस और वो है आप बेहतर समझते हैं अपने काम को भी वैसे भी काम को आप बेहतर समझते हैं मगर पता नहीं क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मंचले का सौदा का जिक्र जरूर करेंगे नहीं नहीं वो आ, वो भी उसमें गया। गया। आ, वो क्योंकि उसमें गया। तो मैं और भी खेल किया है उन्होंने जो लिखा मगर उसमें जितने शेड्स हैं बड़े शेड़। जितने किरदार हैं मैं अब, अब मेरी मेमोरी इतनी नहीं है अच्छा अब मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं खो जाता हूँ मैंने कहा ना कि अभी मैं अपने आप में नहीं हूँ कोई ऐसी बात किसी की जिसने बहुत अजियत दी हो आपको तकलीफ दी हो ये अलग बात है कि उससे बातों का आदमी बहुत सीखता है एक जुमला जिसने मेरी जिंदगी बदल दी पेशावर सदर में हम शाम को जाते थे कैफेज में खैबर कैफे वहाँ पे एक सिल्वर स्टार होता अब तो वो खैर पता नहीं है या नहीं टीवी पे करता पिछावर टीवी आ गया था आ गया तो पश्तो इनको ड्रामा में काम करता था तो मैं सड़क क्रॉस कर रहा था तो एक दो लड़के जो थे मेरी मेरी हम उमर मेरे हमउम थे तो एक ने उसे कहा गुरु गुरु फिर दो जमा ले फिर दो जमा यानी देखो फिर दो जमा तो दूसरे बंदे ने कहा यार मत देखो उसको मुगुर और था जान बते मत देखो से मगरूर हो जाएगा इस ने मुझे एक दिल मड़ा, मेरा दिल दुखा। के यार कंजूस इतने है? तुम कंजूस हो इतने कमजर्फ हो तुम तो। इस जुमले ने मेरी जिंदगी बदल दी मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैंने पिछा में नहीं रहना और मैं लाहौर आ गया और एक बार किसी ने वो पेशावर का ही बंदा था तो उसको मैं कहा यार वो कुबाद की तो कहता है तो खुद डमे तुम तो डूम हो मरासी हो ये जुमले एक दो मेरी ज़िंदगी में ऐसे हैं ये शायद अफटाबाद में किसी ने मैं अबटाबाद गया था आपके दिल के करीब सब सबसे ज़्यादा कौन सा शहर है क्योंकि तीनों जगह आपने काम किया तीनों जगह की अपनी हैसियत है तीनों जगह से आपको बहुत कुछ मिला पेशावर लाहौर या कराची मतलब पिशावर इस हवाले से है कि मैं सारी बुनियाद वहाँ बुनियाद, बुनियाद वहाँ माँ बाप, मा, बाप अजीज़ रिश्तेदार पैदाइश तो हुई की तो वो तो एक जन्म भूमि जो है उसकी हैसियत है उसकी लेकिन वहाँ से मुझे दुख बड़े मिले हैं बहुत दुखी हूँ मेरे अजीज़ों रिश्तेदारों ने मेरा घर पे आना बंद कर दिया था मेरी खाला ने मेरी माँ से कहा कि इसे हमारे घर मत आने दिया करो ये हमारे बच्चों को ख़राब करते ये फिल्मों की बातें करते एक्टिंग की बात करते हैं उनकी पढ़ाई ख़राब होती ऐसे ऐसे जुमले मैंने सुने तो उससे मैं बड़ा दुखी हुआ तो पिशावर ने मुझे दुख भी बड़े दिए वैसे तो सारा पाकिस्तान ही मेरा है और मुझे बहुत अजीज़ है मतलब इस पाकिस्त ये इस मुल्क में पूरे पाकिस्तान पर मैं जान देने को तैयार तो हाँ। रहता था रहता हूँ सोचता भी हूँ कि काश मैं इस मुल्क पर कुर्बान हो जाऊँ लेकिन मेरी जो सही जिंदगी और मुझ पर एहसान है और सारी जिंदगी मरते दम तक बाराल मेरा रहेगा वो दाता की नगरी है लाहौर, ने लाहौर। मुझे से माल बनाया और मेरी जिंदगी का जो बेहतरीन लम्हा है ये अगर किसी मैंने बेहतरीन तारीफ में के जुमरे में वैसे तो बहुत अल्लाह ने बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे मैं, बहुत... मैं सवाल करना चाहता था बड़ी अहम बात आप रहे हैं निहाल कर दिया हो आपको जब दिलीप साहब आए थे एक तो पेशावर में उनसे मुलाकात पहली हुई यानी वो एक जिंदगी का मेरा मोमेंट था तो पेशावर हमें बुलाया गया दिलीप साहब क्योंकि पेशावर पहला शो हुआ जी था जी। उसके बाद जो मेरी जिंदगी का बेहतरीन लम्हा है वो है कि जब प्रेसिडेंसी में जनरल जयाक ने डिनर दिया दिलीप साहब को हाँ तो उन्होंने कहा कि हमारे प्लीज आप खुद याद आ गया दिलीप साहब ये मेरी मैं जिंदगी का यह मेरे करियर का मैं समझता हूँ बेहतरीन लम्हा